तुर्की में अचानक भारत की तरफ देखने लगी दुनिया। क्या तुर्की के साथ खेल खेल रहा है भारत, या फिर पाकिस्तान के लिए है तगड़ी योजना? भूकंप के बाद तुर्की में घट गई कुछ ऐसी घटना कि भारत की तरफ देखती रह गई दुनिया। अचानक तुर्की को आ गई कश्मीर की याद, गुस्साए भारत ने हवा टाइट कर दी, पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने की तैयारी पूरी। पाकिस्तान पर चढ़ाई के बाद क्या तुर्की पर बड़ा फैसला लेगा भारत? बच गया है बिगुल, भारत के शंखनाद से दुनिया हैरान। विश्व गुरु की भूमिका में आया भारत, दिखा दी तुर्की को उसकी असली औकात, मान गई दुनिया भारत का लोहा। दोस्तों, अर्थक्वेक के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारत की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तुर्की में मदद कर रही हैं। भारत तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चला रहा है। भूकंप की वजह से ढह गई इमारतों के मलबों से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि तुर्की पाकिस्तान का साथ कश्मीर के मुद्दे पर कई बार दे चुका है। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान की बहुत मदद की थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी भारत तुर्की के साथ खड़ा है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने तुर्की को हर संभव मदद देने का ऐलान किया। भारत की NDRF की टीम तुर्की पहुंच चुकी है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की ने अक्सर भारत को धोखा दिया है। हाल ही में अपनी पार्लियामेंट में कश्मीर पर कमेटी बनाकर तुर्की ने भारत के विरुद्ध कदम उठाया था, लेकिन भारत फिर भी तुर्की का साथ दे रहा है और उसके आड़े वक्त में एक दोस्त की तरह साथ खड़ा है। दोस्तों, जान लें कि तुर्की की मदद करना भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। जब भी कोई देश मुश्किल में पड़ा है, भारत ने उसकी मदद की है। हालांकि इससे पहले भी 1970 के दशक में भारत ने तुर्की को स्वास्थ्य, कृषि, एजुकेशन और अन्य क्षेत्रों के लिए अनुदान, लोन और तकनीकी मदद दी है। गौरतलब है कि बीते 6 फरवरी को दक्षिणी पूर्वी तुर्की में सीरिया बॉर्डर के पास तेज भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 मापी गई थी। इस भूकंप से तुर्की सीरिया में भयंकर तबाही मची। हालांकि दोस्तों, भूकंप के झटके एशिया में इजराइल और यूरोप के ग्रीस तक महसूस किए गए थे। तुर्की और सीरिया में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को इस आपदा के समय भारत ने हर संभव मदद देने का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की मदद का ऐलान नहीं किया गया है। तुर्की ने कई बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है। वहीं भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत की तरफ से तुर्की में NDRF की टीम और प्रशिक्षित कुत्तों की टीम को भेजने का फैसला किया गया। खोज और बचाव कार्य के लिए NDRF कर्मियों की एक टीम, विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से तुर्की के लिए रवाना होगी। भारत ने यहां तुर्की का साथ देकर एक मास्टर कार्ड खेल दिया। झुकता हुआ पाकिस्तान भारत की बढ़ती हुई ताकत की निशानी है। भारत ने पाकिस्तान को बहुत कमजोर कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को हर एक तरफ से बांध रखा है। पाकिस्तान खुद तो कभी भारत का मुकाबला करने लायक तो था ही नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान जिस तरह से मजबूर हो गया है, उस तरह कभी था भी नहीं। पाकिस्तान अपने कुछ दोस्तों के बल पर उछल रहा था। अब बात करें भारत को टक्कर देने की, तो पाकिस्तान खुद उस लायक अब नहीं रहा। उसका साथ चीन भी भारत के मोर्चे पर अब कमजोर पड़ता जा रहा है। भारत पर तवांग में हमले के बाद तो भारत के बड़े कदमों ने चीन में हाहाकार मचा रखा है। पहले Agni-6 को Agni-5 बताकर उसका परीक्षण करना, उसके बाद MTCR में फंसाना, इसके साथ INS मोर्मुगाव उतार देना और सीमा पर राफेल जैसे 40 लड़ाकू विमान लगा देना चीन की जनता के पसीने छुड़ा दे रहा है। अभी भारत ने इसराइल की रामबाण मिसाइलों को भी तैनात कर चीन की सेना में भगदड़ मचा दी है। जापान की तैयारी देख तो चीन को 7 पुश्तें याद आ रही हैं। उसने अपनी सेना पर इतना दबाव डाल दिया है कि उसके लोग मानसिक बीमारी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो चीन तो वैसे भी खत्म हो गया। अब बात करें पाकिस्तान के दूसरे साथी तुर्की की, तो भारत ने उसको भी बांध रखा है। साइप्रस के साथ रक्षा समझौते के बाद तुर्की खत्म हो चुका है और उसके बाद भी भारत ने तुर्की के हर एक पड़ोसी को हथियार दे रखे हैं। इधर तुर्की अगर पाकिस्तान की मदद करता है तो भारत के पास भी तुर्की को टाइट करने के लिए चाबी है। चीन की तरह तुर्की ने भी अपने हर एक पड़ोसी से लड़ाई कर रखी है। भारत ने यही फायदा उठाते हुए तुर्की को शांत करा दिया। अब पाकिस्तान जान चुका है कि चीन और तुर्की हमारी मदद नहीं कर पाएंगे और उधर IMF की वजह से अमेरिका भी साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसे में पाकिस्तान अब सरेंडर हो चुका है। अब पाकिस्तान के हाथ एक तरीके से बन चुके हैं। बात बात पर परमाणु धमकी देने वाला पाकिस्तान अब इस बात की भी धमकी नहीं दे सकता, ये भी सहारा गया। अब भारत के सामने POK का रास्ता साफ हो गया। पाकिस्तान चाह कर भी अब कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी आंखों के सामने भारत POK को उठा कर ले जाएगा। अब इस बार भारत ने तुर्की की मदद कर पाकिस्तान की तकलीफें बढ़ा दी हैं। भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भीषण तबाही मचाई है। अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं।
5,600 घर और इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर भारत ने तुर्की को फौरन मदद भेजी। भारत से NDRF की रेस्क्यू टीम, दवाइयां और मेडिकल टीम का पहला जत्था तुर्की के लिए रवाना हो गया। राहत सामग्री एयरफोर्स के प्लेन से भेजी जा रही है। बुरे वक्त में भारत की इस मदद पर तुर्की ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। तुर्की में आए भूकंप से लगभग 14,000 लोगों की मौत का अनुमान है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप और उसके बाद आए आफ्टरशॉक से कुल 5,600 से अधिक इमारतों के जमींदोज होने का अनुमान है। आपदा में मरने वालों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल घायलों की संख्या के बारे में पुष्टि नहीं हो सकी है। आर्थिक स्थिति बिगड़ने से तुर्की में बेरोजगारी भी बढ़ गई, लेकिन अब भूकंप की वजह से कई शहरों में स्थिति बेहद खराब हो गई। तुर्की की आर्थिक समस्याओं की जड़ें वैसे तो काफी गहरी हैं, लेकिन जानकारों की माने तो हालिया संक राष्ट्रपति रचप तैयप एर्दोगान के ब्याज दरें करने के जोर देने की वजह से हुआ है। ग्लोबल मंदी का भी आसार तुर्की पर पड़ा, जिससे टर्किश लीरा में भारी गिरावट आई है। अगर भारत से रिश्तों की बात करें तो कभी भी दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि तुर्की का हमेशा पाकिस्तान प्रेम झलकता रहा, जिससे भारत से दूरियां बढ़ती गई। खासकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद तुर्की ने भारत का खुलकर विरोध किया था, जिससे रिश्तों में तनाव आ गया। हालिया घटनाक्रम की बात करें तो मई 2022 में तुर्की ने 56,877 टन भारतीय गेहूं को लौटा दिया। तुर्की ने कहा था कि गेहूं में रुबेला वायरस पाया गया, जबकि बाद में उसी गेहूं को मिस्र ने खरीद लिया। कहा गया था कि तुर्की में राजनीतिक फैसले के तहत ये चालबाजी की गई थी। हालांकि राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रिश्ते बेहतर होने की कोशिशें हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर तुर्की का रुख हमेशा नरम रहा। अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो भारत आयात के मुकाबले तुर्की निर्यात ज्यादा करता है। तनाव के बीच भी हाल के कुछ वर्षों में भारत और तुर्की के बीच कारोबार बढ़ रहा है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।